तो दोस्तों, तो आज फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जेराटो डॉट इन पे आप लोगों का। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे डिजिटल विजिटिंग कार्ड के। तो सबसे पहले तो मेरे अगर पिछले वाले वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी आपके लिए इसी टाइप के वीडियो लेके आ सकूँ। आज हम लोग जो सीखेंगे वो डिजिटल विजिटिंग कार्ड कुछ इस टाइप का हम लोग बनाना सीखेंगे, जो कम्प्लीटली जैसे सोशल मीडिया लिंक पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली अपना सोशल मीडिया लिंक ओपन हो जाएगा। उसी टाइप से अगर हम लोग कोई कॉल पे क्लिक करेगा, डायरेक्टली नंबर्स पे क्लिक करेगा तो कॉलिंग नंबर पे आ जाएगा। ईमेल आईडी पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली ईमेल आईडी का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ये आ गया है। वेबसाइट पे अगर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वेबसाइट पे चले जाएगा। और आज हम लोग क्यूआर कोड भी लगाना सीखेंगे, लेकिन सबसे खास बात जो है वो ये है कि आज के हम लोग वीडियो में ना हम लोग फोटोशॉप का यूज करेंगे, ना हम लोग पावर पॉइंट का यूज करेंगे। सब कुछ ऑनलाइन कम्प्लीटली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ भी पे भी करने की ज़रूरत नहीं है और आप भी उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप canva.com ओपन कर लीजिएगा वेबसाइट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वेबसाइट ओपन करने के बाद में आप क्या करेंगे, वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपको जीमेल से या जो भी आपकी ईमेल आईडी है उससे लॉगिन करना है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, और कुछ जैसे अगर हम लोग हाईली चीज़ जाते हैं, जैसे स्टॉक वीडियो लेने जाते हैं या फिर और कुछ जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें पेड है। लेकिन हम लोग अभी जो क्रिएट करेंगे वो कम्प्लीटली फ्री होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिएट ए डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट ए डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे जो कस्टम साइज आ रहा है वहाँ कस्टम साइज पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग क्योंकि डिजिटल विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो हमें मोबाइल की स्क्रीन का आइडिया होना चाहिए क्या होनी चाहिए। तो मोबाइल की स्क्रीन की जो विड्थ होती है वो अपनी होती है 768 एंड हाइट जो होती है वो होती है 1366। तो क्रिएट ए न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोगों के पास कुछ इस टाइप का मोबाइल टाइप का फॉर्मेट आ जाएगा। इसको आप जूम वगैरह करके एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। अब हम लोग डिजिटल कार्ड बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले अभी हम लोगों को क्या चाहिए, प्रोफाइल पिक। तो प्रोफाइल पिक किस टाइप से आएगी, अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी प्रोफाइल ले रखी है, तो इनमें से मैं कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर, मान लीजिए मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी फ़ोटो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे। ये फ़ोटो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में इसकी साइज आप जितना चाहें उतना एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अब हम मुझे चाहिए सोशल मीडिया लिंक्स, तो सोशल मीडिया लिंक्स में हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। तो एलिमेंट्स में जाने के बाद में अब हम लोग सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करेंगे इसके अंदर। तो मुझे इंस्टाग्राम चाहिए, लिंक्डइन चाहिए, यूट्यूब चाहिए और फेसबुक चाहिए। जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो आप ले सकते हैं। ये मैंने चारों लिंक यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। इनको आप थोड़ा सा साइज में एडजस्ट कर लीजिए जिस साइज में आपको चाहिए। लिंक्डइन चाहिए, लिंक्डइन आप ऐड कर लीजिए। फेसबुक चाहिए, फेसबुक आपका ऐड हो जाएगा। फेसबुक ऐड होने के बाद में YouTube अगर आपको ऐड करना है तो आप YouTube ऐड कर सकते हैं। ये अपने सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। सोशल मीडिया आइकन्स ऐड होने के बाद में अब मुझे यहाँ पे जो चाहिए वो चाहिए मेरा नेम एंड डेजिग्नेशन, ठीक है। तो इनकी साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, ठीक है, जब तक अपना बेस्ट फिट आए। अब मुझे यहाँ पे जो इसका कार्ड का कलर है मुझे वो कलर चेंज करना है, तो मैं कार्ड का कलर सबसे पहले पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं कार्ड के पीछे कलर ऐड कर दूंगा। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, आपको जो भी कलर चाहिए हो। और अगर आपको कोई इमेज भी लेनी है तो बैकग्राउंड पे जाएंगे और यहाँ पे आप कुछ भी ले लेंगे जो आपको बैकग्राउंड में चाहिए, जिस भी टाइप का आपको कार्ड पसंद आता हो। और अगर आप कलर्स पे जाना चाहते हैं तो सीधा कलर्स पे जाके जो आपको कलर लेना हो वो कलर ले लीजिए। कलर लेने के बाद में अब हम लोग, एक सेकंड,
कलर लेने के बाद में अब हम लोग नेम और डेजिग्नेशन एंटर करेंगे। तो एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जाने के बाद में यहाँ से मैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। अब इसमें मेरा नेम जो है वो मैं अपना नेम ऐड कर दूंगा। नेम ऐड करने के बाद में इसकी फॉन्ट साइज जो है इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और आप इसको मिनिमाइज कर लेंगे जिस भी साइज का आपको चाहिए। ये आपका नेम आ गया, देन आपकी डेजिग्नेशन आ गई। अब इसको अगर आपको मिडिल में करना है तो मिडिल में आ जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको भी मिडिल में करना चाहेंगे मिडिल में आ जाएगा। यहाँ पे मैं अब अपना कुछ भी जो भी डालना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन डेजिग्नेशन, वो डेजिग्नेशन मेरी ऐड हो गई है। ये देखिए मेरा नेम भी आ गया है, डेजिग्नेशन भी ऐड हो गई है। अब उसके बाद में मुझे जो चाहिए वहाँ पे कॉलिंग का बटन, ईमेल का बटन और अपना वेबसाइट का बटन या एड्रेस का बटन चाहिए। तो मैं एलिमेंट्स पे जाऊँगा, फोन आइकन सर्च करूँगा यहाँ पे। यहाँ से आप कोई भी फ़ोन आइकन ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, मुझे ये पसंद है, मैंने ये फ़ोन आइकन ले लिया है। फ़ोन आइकन लेने के बाद में अब आपको ईमेल चाहिए तो ईमेल सर्च कीजिए यहाँ पे, ईमेल आइकन, देन ईमेल में भी आपको इसी टाइप के कुछ मिल जाएंगे कंप्लीट। ईमेल में आपको जैसा भी ईमेल वाला चाहिए, मान लीजिए ये सब जैसे प्रो है, जो आइकन समय प्रो में दिख रहे हैं, आप अपने अपने एलिमेंट्स भी डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो आइकन वगैरह अपलोड करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। अभी हम लोग जो ईमेल के लिए जाएंगे तो ईमेल का आइकन जो भी हम लोगों को पसंद आता है, ईमेल में मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ। कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं इनका, यहाँ पे जाके आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो आपका कलर हो जाएगा। जैसे अभी इस बटन का कलर नहीं है तो इस बटन का कलर सेलेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो SVG इमेजेज होती है उनका कलर आपका चेंज हो जाएगा जैसा आप लेना चाहें। फ़ोन पे गए, फ़ोन ले लिया है मैंने, ईमेल पे गए, यहाँ से मैंने ईमेल ले लिया है, ये फ़ोन आ गया है, ये मेरा ईमेल आ गया है। कलर में आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है वो आप कलर कर लीजिए, फ़ोन, ईमेल, मैप, यहाँ पे मेरा मैप का आइकन आ जाएगा, ये मैंने मैप का आइकन ले लिया है, ये मेरा फ़ोन आ गया, ईमेल आ गया, मैप आ गया। अब यहाँ पे मैं अपने फ़ोन नंबर, ईमेल और मैप को ऐड करूँगा, तो टेक्स्ट ऐड करूँगा। टेक्स्ट ऐड करने के बाद में यहाँ से जो भी मुझे पसंद है वो ले लूँगा। टेक्स्ट ऐड करने वाला ये जो आ रहा है नीचे, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा और डिलीट दबा दूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। इस पर आप सेलेक्ट करके जो भी आपका नंबर वगैरह है वो ऐड कर सकते हैं और साइज जो है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए पूरी। ये साइज मेरी ऐड हो चुकी है यहाँ पे, ये मैंने मोबाइल नंबर ऐड कर दिया है। इसको अगर आप बोल्ड वगैरह जो भी कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ईमेल आईडी और एड्रेस के लिए मुझे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा स्मॉल लेटर में चाहिए, तो ये हम लोग टेक्स्ट में जाएंगे और सब हेडिंग ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद में ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है ये ईमेल आईडी आपकी ऐड हो गई है। और इसी टाइप से अगर आपको वो भी करना है आपका एड्रेस भी, तो ये आपका एड्रेस ऐड हो गया है।
अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, अगर इसको बोल्ड वगैरह करना है तो आप अपने हिसाब से जो भी है टेक्स्ट वगैरह बोल्ड कर सकते हैं। साइज अगर आपको छोटी करनी है, जिस हिसाब से आप करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से डिजाइन ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर लिंक कैसे ऐड होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो लिंक ऐड करने के लिए सबसे पहले, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम के आइकन पर मुझे लिंक ऐड करना है, तो यहाँ पर जाऊँगा मैं, देन लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और जो भी मेरा लिंक है वो लिंक यहाँ पर ऐड कर दूँगा। मान लीजिए जो भी मेरा लिंक है वो मैं लिंक यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यहाँ पे जो भी मेरे प्रोफाइल का लिंक है। लिंक्डइन का भी सेम वही है, लिंक्डइन का अगर आपको चाहिए तो लिंक्डइन का भी ऐड हो जाएगा। जो भी आपको ऐड करना है वो लिंक आप अपने हिसाब से फेसबुक यूट्यूब वगैरह जो भी आपको ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर आप किस टाइप से आप मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, सबसे पहले मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे, देन थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, देन लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद में TEL देन ये देन अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप ऐड कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ईमेल आईडी का भी सेम यही है, ईमेल आईडी पे क्लिक कीजिए, मेल टू जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी ऐड हो जाएगी। एड्रेस में भी सेम वही है, अगर आपकी कोई मैप की लोकेशन है तो सीधा आप मैप से सर्च करके और उस लिंक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसी टाइप से। लेकिन देखिए अब जैसे ही मैंने ईमेल के नीचे लिंक ऐड किया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक अंडरलाइन आ गई है, तो ये कैसे हटाएंगे, ईमेल पे क्लिक करेंगे देन थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे और अंडरलाइन ये रिमूव हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि किस टाइप से QR कोड और व्हाट्सएप बटन लगाएंगे। तो व्हाट्सएप बटन के लिए एलिमेंट्स में जाएंगे और व्हाट्सएप सर्च करेंगे हम। अगर आपके पास इमेजेस वगैरह पड़ी है तो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं अपलोड करके। ये मेरा व्हाट्सएप का आइकन ऐड हो चुका है यहाँ पे। अब व्हाट्सएप का लिंक मैं कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा देन लिंक पे क्लिक करूँगा। अब सबसे पहले मैं मेरा लिंक निकालूंगा व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप का लिंक सबका एक ही होता है, war.me/ जो भी आपके मोबाइल नंबर हैं वो। war.me/ जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपका ऐड हो जाएगा। 91 जरूर लगा लीजिएगा इसके आगे। अब QR कोड कैसे ऐड होता है, QR कोड पे जाएंगे, यहाँ पर अपना जो भी है आपका वेबसाइट या जिसका भी आपको QR कोड जनरेट करना है .in करेंगे, एंटर करने के बाद में जनरेट कोड पे क्लिक करेंगे। जनरेट कोड करते ही ये ऑटोमेटिकली एक QR कोड आपके कार्ड के ऊपर जनरेट हो जाएगा। इस QR कोड को थोड़ा सा साइज में एडजस्ट करके जैसे भी आपका है, तो ये इस टाइप से मेरा कार्ड रेडी हो चुका है। अब इनका कलर कॉम्बिनेशन मैं जैसे चाहूँ जब चाहूँ मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसा भी मुझे करना हो, जिस कलर का भी मुझे कार्ड करना है मैं उस कलर का अपना कार्ड कर सकता हूँ। तो अब हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं कि किस टाइप का डाउनलोड होगा। ये डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे PDF स्टैंडर्ड और देन डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए अभी मुझसे कोई भी पेमेंट चार्जेज वगैरह कुछ नहीं मांगा है इसने, ये डायरेक्टली डाउनलोड हो रहा है। अब हम लोग सेव कर लेंगे इसको। सेव करने के बाद में अब इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद में ये देखिए अब जैसे इंस्टाग्राम लिंक्डइन फेसबुक यूट्यूब वगैरह आ रहा है, मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करूंगा डायरेक्टली मुझे ये इंस्टाग्राम पे मेरे रिडायरेक्ट कर देगा जो भी मैंने लिंक ऐड किया है। लिंक्डइन पे क्लिक करूंगा मेरा लिंक्डइन पे ऐड हो जाएगा। और जैसा भी आपको चाहिए, फेसबुक पे अगर आप क्लिक, फेसबुक हमने ऐड नहीं किया था, मोबाइल नंबर पर आप ईमेल आईडी पे अपन जैसे ऐड करेंगे ईमेल आईडी आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका पूरा कार्ड बनके कंप्लीट रेडी हो जाएगा जो मोबाइल के अंदर कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इसी टाइप का अपना कार्ड वगैरह बनाए। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, और पसंद अगर आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट आपको जो दूंगा, मैं कंप्लीट टेम्पलेट लिंक्स दूंगा, सिर्फ आपको उनको एडिट करना होगा और आप पूरे के पूरे कार्ड जो है वो फिर से न्यू डिजाइन कर सकते हैं पूरे कंप्लीट।
वो भी लिंक किस टाइप से, मैं आपको पूरा कार्ड का लिंक शेयर करूंगा, उसको बस आपको एडिट करना रहना होगा और कंप्लीट आपकी डिटेल्स वगैरह है वो फिलअप हो जाएगी डिटेल्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू।